इस वीडियो पे आपने क्लिक कर ही लिया तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानने व सीखने को जरूर मिलेगा। हमारे शरीर की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस शरीर में जैसे चाहे वैसे चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि आप मोटे हैं तो आप एक्सरसाइज की मदद से फिट हो सकते हैं, और अगर आप पतले हैं तो आप अपनी रूटीन डाइट को बढ़ाकर मोटे हो सकते हैं, मेरा मतलब फिट हो सकते हैं। पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपके काम की है वो है आपकी हाइट, यानी आपकी लंबाई। हाइट आपकी लुक्स को, यानी आप कैसे दिखते हो, इसको बहुत अफेक्ट करता है। बहुत लोगों को ये लगता है कि जब उनकी उम्र 20 पार हो जाती है तो उनकी हाइट नहीं बढ़ सकती है। ये बात सही है पर पूरी तरह से सही बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आपकी हाइट बढ़ेगी या नहीं ये 90% आपके जीन्स पर डिपेंड करती है, मतलब आपकी मम्मी पापा की हाइट जो है उस पर ये निर्भर करता है कि आपकी लंबाई कितनी होगी। पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी लंबाई आपके पेरेंट्स की लंबाई के बराबर होगी, लेकिन 90% चांस होते हैं कि आपकी हाइट आपके पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंड है, और 10% चांस होते हैं कि आपके पेरेंट्स के अलावा भी आपकी हाइट और भी बढ़ सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके मम्मी पापा की हाइट कम है पर आपकी हाइट ज़्यादा हो जाती है, और कुछ कुछ मामलों में लोगों की हाइट कम रह जाती है। अगर आपकी हाइट कम है तो अच्छी बात यह है कि आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। जब आप हाइट बढ़ाओगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपका आत्मविश्वास और भी बढ़ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी हाइट बढ़ने में कोई बाधा नहीं आए तो आपको अपने चलने और बैठने के ढंग को सही करना होगा। चलने का सही ढंग होता है अपनी स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके चलना, पर कई लोग झुक के चलते हैं और ये आपके हाइट ग्रोथ यानी आपकी लंबाई को बढ़ाने में बाधा डालती है। बैठते समय भी लोग यही करते हैं, झुक के बैठते हैं। अगर आप चेयर पे बैठते हो तो आपको हमेशा सीधा होकर बैठना चाहिए, यह साइंटिफिकली प्रूव्ड है। झुक के चलने या बैठने की हैबिट ये आपकी स्पाइन को कंप्रेस कर देता है, यानी उसके चलते आपकी रीढ़ की हड्डी समय के साथ साथ छोटा हो जाता है, समय के साथ साथ दब जाता है। इसलिए आप सीधे चलें और सीधा ही बैठें। हाइट बढ़ाने में एक्सरसाइज बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। हाइट बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करनी भी बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने से हम अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं। एक्सरसाइज की हेल्प से हम अपनी स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी को भी सीधा रखकर स्ट्रेच कर सकते हैं, जिससे हमारी दबी हुई स्पाइनल कॉर्ड एक्सपेंड यानी खुल जाएगी। एक्सरसाइज में आप पैसिव हैंग एक्सरसाइज, प्लैंक, कोबरा स्ट्रेच, स्टैंडिंग बैक स्ट्रेचेस, रोप जंप, ये सभी एक्सरसाइज आप अपनी स्क्रीन पर देखकर कर सकते हैं। इसके अलावा आप दौड़ लगाना और कोई खेल खेल सकते हैं। हमारी हाइट सिर्फ एक्सरसाइज से ही नहीं बढ़ सकती, बल्कि हमें एक्सरसाइज के साथ साथ एक कंप्लीट डाइट भी लेनी होगी। स्वादिष्ट एवं पौष्टिक खाना मानव विकास में अहम भूमिका निभाता है। अगर आपके शरीर को पूरी मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल जैसे पौष्टिक आहार मिलते हैं तो इससे आपके शरीर में काफ़ी तेज़ी से हाइट ग्रो करने लगेगा। पूरी तरह से प्रोटीन लें, जंक फूड को अवॉइड करें और हरी सब्जियों का उपयोग करें। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे और डाइट लेंगे तो आप अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं, लेकिन हाइट बढ़ाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपकी हाइट को बढ़ाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है HGH। HGH का मतलब है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर धीरे धीरे ग्रो होता है, इसके साथ ही हमारे शरीर में जो टिश्यू होते हैं वो रीजनरेट होते हैं, जो कि हमारे शरीर की लंबाई बढ़ाने में काफ़ी सहायक होते हैं। रात में सोते समय हमारी बॉडी पिट्यूटरी ग्लैंड से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तब यह HGH रिलीज होता है। यही हार्मोन हमारे शरीर को ग्रो करता है, और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें एक अच्छी नींद की ज़रूरत होती है, इसलिए हमें 8 से 10 घंटे तक डेली सोना चाहिए। सोते वक्त सीधा होकर सोने की कोशिश करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और वीडियो को एक नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना कि वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस अमेजिंग वीडियो।